फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर भुर्जी, जो दिखने में एग भुर्जी जैसा होता है पर ये प्योर वेजिटेरियन है। तो आइए चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 लीटर दूध, 1/2 चम्मच सॉल्ट, हल्दी, 1 चम्मच जीरा, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, 1 स्लाइस लेमन, अनियन, टमाटो, जिंजर गार्लिक पेस्ट। पहले हम दूध को गर्म होने के लिए रखेंगे। जब दूध में एक बॉयल आ जाए तो एक लेमन का जूस डाल देंगे उसमें और दूध को फाड़ेंगे। अब दूध फट चुका है, उसमें कर्डल्स बन चुके हैं। अब उसको एक स्ट्रेनर में छान के थोड़े से ठंडे पानी में उसको वॉश कर देंगे, उसमें से लेमन का फ्लेवर जाने के लिए। फिर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, 1 या 2 चम्मच। तेल गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा जीरा डाल देंगे। जीरा को भूनने देंगे, उसके बाद अनियन डाल देंगे। अनियन को फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अब अनियन फ्राई हो चुके हैं, हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भूनेंगे। थोड़ी देर बाद 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट चिपक जाता है, इसलिए। फिर हम इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर देंगे। नमक डालने के बाद इसमें तुरंत नमक डालना पड़ता है क्योंकि टमाटर को मैश करने के लिए जल्दी हेल्प करता है। मिलाएंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ग्रेवी बना लेंगे, फिर वो पनीर डालकर मिक्स करेंगे। ये जल्दी बन जाता है, इसमें कोई मुसीबत का काम नहीं है। बस इसमें मिला के कवर कर देना है 5 मिनट्स के लिए। तो ये रेडी हो चुका है, आप इसे रोटी के साथ या फिर राइस के साथ खा सकते हैं। ये एक साइड डिश हो सकता है। मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।